हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अन्नपूर्णा 26। इस बार मैं जो आपके लिए दो पोटैटो रेसिपीज लेकर आई थी, एक तो मैंने पहले ही शेयर कर दिया आपसे। आज भी मेरी पोटैटो वाली रेसिपी है, वो मैं गार्लिक पोटैटोस बना रही हूँ, जो कि वो भी बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। आइए आपके साथ शेयर करती हूँ ये वाली रेसिपी भी मैं। गार्लिक पोटैटो बनाने के लिए सबसे पहले 2 चम्मच मैं गार्लिक का पेस्ट लूंगी। पानी डालना है, 1 से 2 चम्मच पानी डालेगा। नीड होगी तो फिर हम दोबारा डालेंगे इसमें पानी को। बिल्कुल पिंच सा ऑरेंज कलर मैं डाल रही हूँ। सारे मसालों को हमने मिक्स कर लिए, इसको इतना ही थिक रखना है। अब मैं इसमें 4 उबले हुए आलू डाल दूंगी, जिनको मैंने क्यूब्स में कट किया हुआ। सारे पोटैटोस को हम इनमें अच्छे से कोट कर देंगे, जिससे कि मसाला सारा इनके ऊपर कोट हो जाए। अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इनको मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दूंगी, जिससे कि सारे पोटैटोस अच्छे से मसालों के अंदर मैरिनेट हो जाएं। उसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे। पोटैटोस मैरिनेट हो गए हैं, इनको हम एक बार हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इनको एक एक करके हॉट ऑयल में छोड़ते जाएंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम फ्लेम पे ही किया हुआ है। हम सबको ऐसे फैलाते हुए छोड़ते जाएंगे। टेस्टी लगते हैं, इनका गार्लिक फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। पोटैटोस क्रिस्पी और रेडी हो गए हैं। अब मैं इसको नैपकिन पेपर के ऊपर निकाल लूंगी, हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में, भी बिल्कुल सिंपल, बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। टमाटर सॉस और ग्रीन चटनी के साथ बहुत ही टेस्टी लगेंगे खाने में। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसे अच्छी लगी, और लाइक और सब्सक्राइब प्लीज जरूर किया करें। थैंक यू।